ये देखिए, ये है सामने इटली का फ्लैग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वीडियो शूट हो रहा है इटली में, तो स्वागत करते हैं आपका इटली में। सुबह के बजे हुए हैं 9:30, शिप डॉक हो गया है यहाँ पे 9 बजे, और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अभी तो मैं सीमेंस क्लब जा रहा हूँ, तो चलिए निकलते हैं सबसे बाहर। ये रहा अपना सावोना, इटली का टर्मिनल। ये देखिए, ये पूरी बसेस लगी हुई हैं पैसेंजर की, इसके अंदर पूरा टर्मिनल है। देखो यार, कितना बड़ा टर्मिनल है। यहाँ से मेन एंट्री है, ये पूरा टर्मिनल हो गया। ये टर्मिनल है, वो टर्मिनल, उसके पीछे टर्मिनल है, और उस तरफ को भी टर्मिनल है। यहीं पे आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, ये टैक्सीज हैं यहाँ पे। अभी सुबह के यहाँ पे 9:35 हुए हैं। ये रहा सामने अपना शिप, और ये रहा पूरा टर्मिनल। और जो सीमेंस क्लब है वो उस तरफ को है, और मेन मार्केट जो है वो इस तरफ को। वैसे भी मार्केट अभी जाने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी वही 11-12 बजे खुलती है मार्केट। देखिए, इसी के अंदर पूरी मार्केट है सावोना की। ऑटो देखिए यार, कितने छोटे हैं यहाँ पे, मतलब गार्बेज के लिए जो यूज़ कर रहे हैं ना। पहुँच तो चुका हूँ सीमेंस क्लब के पास। अभी खुला है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता यार, टाइमिंग नहीं याद नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं पता कब आया था, 2017 में, और उसके बाद मैं आया था 19 में, मतलब इटली, ये सावोना वाले पोर्ट पे। उसके बाद मैं, आज एक ही दिन है सावोना, आज यहाँ से निकल जाएंगे हम, दोबारा नहीं आने वाले हैं सावोना। नहीं, इटली में तो रहूँगा मैं, अभी सावोना नहीं रहूँगा। तो ये रहा पीछे, ये पूरा सीमेंस क्लब है। ये वाली बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये सीमेंस क्लब है, और पोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है, यही पोर्ट है सामने। अभी भी आपको क्रेन दिख रही होगी यहाँ पे, ये पूरा पोर्ट एरिया ही है सीमेंस क्लब। और मुझे लगता है अभी ये बंद है, टाइमिंग का मुझे पता नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है, गेट तो बंद दिख रहा है, इसका तो अभी खुला नहीं है। तो चलिए अभी मार्केट ही चल लेता हूँ, क्या करें। वैसे मुझे नहीं लगता कि मार्केट भी खुली होगी, देखिए पूरी सुनसानी है, पूरा सुनसान दिख रहा है। और ये जो सीमेंस क्लब है, ये हर पोर्ट में होता है, पोर्ट में या पोर्ट के आसपास होगा ये, हर कंट्री में जहाँ पर भी पोर्ट है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे ड्रिंक्स वगैरह, फूड, या फिर आपको कुछ ख़रीदना है आपकी ज़रूरत की चीज़ें, और वॉशरूम वगैरह ये रहती हैं। और ये भी रहती हैं कोरियर वगैरह, जैसे आपको कुछ भिजवाना है या फिर आपको कुछ मंगवाना है, तो वहाँ का एड्रेस देके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं, मुझे कुछ मंगवाना है इंडिया से या कहीं से भी कुछ मंगवाना है, तो यहाँ पे सीमेंस क्लब में आ सकता है यहाँ का एड्रेस देके। बट ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस पोर्ट को, जैसे अभी आया हूँ या 4-5 दिन बाद और आ रहा हूँ यहाँ पे, या फिर 10-15 दिन बाद और आ रहा है, तो मैं मंगवा सकता हूँ। अगर आप एक ही बार आ रहे हैं तो फिर दोबारा मंगवा के क्या ही करोगे, आप आने वाले ही नहीं होते यहाँ पे। तो जो भी ऐसा पोर्ट है, या फिर पोर्ट में ही मंगवा सकते हैं आप, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सीमेंस क्लब में अभी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आपको, मतलब आपके साथ रखे, आपके कोरियर संभाल के रखेंगे, हो सकता है कि आपके, जब आपका शिप आने वाला है वहाँ तक भी पहुँचा दें वो लोग, ये सब चीज़ है। और वाईफाई वगैरह ये तो रहता ही है। और दोहा एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी एक सीमेंस क्लब, मैंने आपको पहले किसी ब्लॉग में बताया होगा शायद, तो वहाँ पे अगर दोहा एयरपोर्ट में आप पता करना, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, लेकिन सीमेंस का ही है वो। वहाँ पे आप जाएँ आराम से, सब कुछ फ्री है वहाँ पे, तो ड्रिंक्स वगैरह, आप लेटना है, बैठना है, जो भी करना है आपको, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये भी नहीं है कि हर सीमेंस क्लब में आपको ये फ्री मिले, ये सारी चीज़ें, जैसे ये ड्रिंक्स या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें फ्री नहीं भी होती हैं कहीं कहीं पर, कहीं पर फ्री होती हैं, तो डिपेंड करता है पोर्ट टू पोर्ट। बाकी इतना मुझे पता था कि यहाँ पे वाईफाई बहुत अच्छा है, तो मैं सोचा था यार कुछ अपलोड कर लेता, शिप का तो आपको पता ही है वाईफाई कितना महंगा है, 40 यूरो का, 40 यूरो का कितना जीबी है, 5 जीबी है यार, एक वीडियो भी नहीं जाती इससे, बताओ। ये निकलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, वैसे तो सुबह सुबह है, क्या ही होगा, बाकी दिन में आऊँगा।
और ये सब चीज़ यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे मर्सिडीज़ की गाड़ी है, ऊपर देखो सीढ़ी वगैरह रखी है। ये मतलब किसी हाउसिंग कंपनी की गाड़ी होगी है, तो नॉर्मल है ये सब। यहाँ पे टैक्सीज भी मिल जाएंगी आपको, मर्सिडीज़ भी, BMW भी, ये सब टैक्सी वगैरह में चलती हैं पूरे यूरोप में ही, खाली इटली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज मौसम बहुत प्यारा है, बादल लगे हैं ऊपर देखिए। अभी तो मैं जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया से आगे निकल रहा हूँ, रेसिडेंशियल एरिया पूरा। ये देखिए ये ऊपर लोगों के घर हैं, जैसे नीचे देखिए शॉप्स वगैरह हैं, ऊपर सब लोग रहते हैं, घर है लोगों के। इटली में जो लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है इटालियन। 95% लोग यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है यूरो। यूरो तो मैंने जैसे आपको बताया पूरे यूरोप में ही यूरो चलती है, और अगर कन्वर्ट करके आपको बताऊँ तो आजकल चल रहा होगा अराउंड 89, तो ये मान के चलिए एक यूरो होगा हमारा 89 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपको 1 यूरो की मिल रही है उसके लिए आपको 89 रुपीज़ ऑलमोस्ट, मतलब ये मान के चलिए 90 रुपये आपको पे करने हैं। और इटली में जैसे आपको किसी को ग्रीट करना है तो सबसे पहले आप चाओ बोल सकते हैं, चाओ, जैसे हेलो हाय हम लोग बोलते हैं, तो चाओ। किसी को आप मिलते हैं या जा रहे हैं तो चाओ, अगर आप जा रहे हैं तब भी बाय बोल रहे हैं तो तब भी आप चाओ बोलें, समझ रहे ना। जैसे मैं आपको मिला चाओ, फिर आपसे बातचीत की, फिर जा रहा हूँ तो फिर चाओ। और नहीं तो जैसे आपको सुबह किसी को ग्रीट करना है सुबह से शाम तक, तो आप बुनजोनो बोलें, फिर शाम को आप बोना सेरा। तो ये सब यहाँ पे लैंग्वेज है इटालियन, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इटालियन वैसे, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। और बाकी शॉप्स धीरे धीरे खुल ही रही हैं अभी। अगर आप किसी इटालियन बंदे से बात करेंगे या फिर कोई दो इटालियन आपस में बात करेंगे तो आप उनको देखेंगे, उनका एक्सेंट इतना ख़तरनाक होता है ना, वो पूरे हाथ पैर पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं जब बात कर रहे होते हैं किसी को, जैसे यूं ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरी बॉडी का मतलब अपना इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। और यहाँ पे आपको इंडियंस तो उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन बांग्लादेशी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे सबोना में, पूरे इटली में ही, मतलब सबोना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे बांग्लादेशी। धीरे धीरे स्ट्रीट मार्केट खुल रही है यहाँ पे, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, धूप तो आई नहीं अभी। यहाँ पे स्ट्रीट में मार्केट है, ये इनकी गाड़ियाँ हैं, उनमें सामान लेके आए यहाँ पे स्ट्रीट पे बेच रहे हैं लोग। यहाँ पे देखिए सबने अपनी दुकान गाड़ियों में ही लगाई है, और गाड़ी इसी तरह से मॉडिफाई की है। ये देखिए ऊपर जो भी गाड़ी आप देखोगे, सामान अंदर रखो, गाड़ी लेके चलो गली से। सारी ऐसी गाड़ियाँ देखिए, इसी में शॉप मॉडिफाई करके रखा हुआ है। और ये देखिए ये है सामने इटली का फ्लैग, 3 कलर होते हैं इसमें, ग्रीन, वाइट एंड रेड। अब यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी गाड़ियाँ इस तरह से मॉडिफाई कर रखी हैं छत वगैरह ऊपर से। शाम को अपना सामान अंदर डालो और कल्टी मारो। अभी थोड़ी सी भीड़ बढ़ने लगी है लोगों की, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लोग मोटी मोटी जैकेट पहन के घूम रहे हैं। जो कपड़े हम नवंबर दिसंबर में अपने वहाँ पहनते हैं वो लोग अभी यहाँ पहन रहे हैं मोटी मोटी जैकेटें, क्योंकि अभी यहाँ पे मौसम ठंड का चल रहा है। कोई भी आदमी देख लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे 4 में से तीसरा आदमी स्मोक करता है। इटालियन बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसे गर्मी तो कम ही रहती है, ठंड ज़्यादा रहती है। और यूरोप का भी
कुछ कुछ कंट्रीज़ का मैं कह सकता हूँ, सारी कंट्रीज़ तो नहीं, ऐसे ही रहता है। बाकी बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर यहाँ भी बहुत ख़तरनाक है। देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग बनाई है यहाँ से बालकनी पर, और इस बंदे को सामने ये व्यू मिलेगा गली का, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये इंस्टीट्यूट है पीछे तक पूरा। आपको गाड़ियों के नंबर की बात कर रहा था, जैसे कल मैंने आपको बताया था मैं कल फ्रांस में था, तो यहाँ पे आपने ऊपर यूरोप का ये फ्लैग और यहाँ पे एफ़ देखा होगा, आज आई स्पेन में जाएंगे एस, तो उसी तरह से इटली में देखिए आई, सारी गाड़ियों में ऐसा ही रहेगा। मतलब जैसे ये इटली का नंबर है, ऐसे ही आप देखेंगे फ्रांस का, स्पेन का, जो भी कंट्री आप पकड़ो उसका रहेगा, फिर बाकी आगे इनकी कोई सीरीज़ है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और कुछ बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, जैसे पांडा देखिए बहुत पुरानी गाड़ी है, तो इसमें ये नंबर प्लेट में नहीं है, जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ होंगी उनमें नहीं होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट आप देखें यही है। मतलब ये गाड़ी ये मान के चलिए कि यार जो हमारे आज से 20 साल 30 साल पुरानी गाड़ी उसमें नहीं होगा। ये इटली के नॉर्थ में आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा एरिया प्लेन नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह से है, जैसे ऊपर चढ़ाई है और नीचे आप देखिए पूरा डाउन है, तो इस तरह का भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे लोग छाता लेके घूम रहे हैं, मतलब जहाँ भी चल रहे हैं अपने साथ छाता लेके चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। रात को तो बारिश हुई थी ऑलरेडी, देखिए पूरी रोड गीली नज़र आ रही होगी आपको। ये रही यहाँ पे जो बस सिटी में चलती है, ये रही यहाँ पे सब्जी की दुकान, और कितने ताज़े ताज़े स्ट्रॉबेरी आए हैं यार, चेरी। कौन सी सब्जी है पता नहीं, मुझे बीन्स लग रही है, लेकिन इतने बड़े। बाकी यहाँ पे सेब वगैरह के रेट देख लो आप, 1.29 यूरो चल रहा है पर केजी का, कन्वर्ट कर लेना, इनटू कर लेना आप उसको 89 से। ये रहे येलो रेड एप्पल, एप्पल की तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं यार, 4000 से ऊपर की वैरायटीज़ हैं। बारिश होने लगी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ये देखिए छींटे गिर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यार मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, पहले से छाता वगैरह लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे ना आपको जवान कम, और जैसे ये मान के चलिए जैसे 45 से ऊपर को जिनकी एज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, इतने प्यारी फलों की दुकान देखी आपने कभी, कैसे सजा के रखे हुए हैं बास्केट में, पूरा ब्रांड्स हैं उनके, शोरूम भी मिल जाएंगे यहीं पे गली के अंदर ही। इटली में आके आप क्या ट्राई कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा इटली से ही है, पास्ता, वाइन्स, डिफरेंट वाइन तो आप पूरे यूरोप में ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रांस में भी बहुत तगड़ी तगड़ी वाइन्स मिलती हैं, और वाइन्स चीज़ इटली में आपको चीज़ मिल जाएंगी, वैरायटी ऑफ चीज़, ये मान के चलिए आप। एक्चुअली मुझे फिगर पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है, जितने मैं जानता हूँ, 80-90 टाइप की चीज़ उतने से भी ज़्यादा होंगे शायद से, तो उतने से चीज़ आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इटालियन कुजीन तो अपने आप में ही बहुत फेमस है, ट्राई करिए आप इटालियन कुजीन यहाँ पर आके, ओरिजिनल ऐसे ही रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको जगह जगह पे। यूनिक शॉप है, देखिए दीवार में से लटका रखी है फ्रेम में, शॉप इसके अंदर है, ये गली है, इनके अंदर शॉप्स हैं, ऊपर लोग रहते हैं। जैसे कि आप देखो पूरे शहर में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा गया है,
बहुत क्लीन और मेंटेन सिटी है। ट्रैफिक रूल्स वगैरह को तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये है नीचे बोट क्लब, यहाँ पे सब बोट रहती हैं, छोटी मोटी बोट्स। तो यहाँ पे एक गाड़ी दिखाता हूँ मैं, मतलब ये मैंने गाड़ी के छत पे हाथ रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ तक मेरे पहुँच रही है, इससे भी नीचे, तो देखिए कितनी छोटी गाड़ी होगी। देखिए इसके अंदर ऐसा इसका इंटीरियर है। इतनी छोटी सी तो गाड़ी है, देखिए इस तरफ कोई फिशिंग बोट है, ये देखिए मच्छी पकड़ने की रस्सी वगैरह, जाल वाल, ये बकेट में मच्छी अच्छी लेके आते हैं वो। ये जो लगा हुआ है ये भी फिश को मतलब ऐसे रोल करता है, इसमें इस तरह से पूरा लगाया हुआ है सेटअप। ये सब फिशिंग बोट है ये जो रुकी हुई है, यहाँ पे खड़ी कर रखी है। देखिए बाल्टी में मच्छी देखेंगे, ये देखिए भर के जाल रखा हुआ है इसके अंदर। तो भाई मच्छी पकड़ के भी लाए हैं। ये ब्रिज है, ये भी बंद हो रहा है यहाँ पे। इस तरफ को और उस तरफ को लोग रुके हुए हैं इधर उधर जाने के लिए। हो गया, अब ये खुलेगा। यहाँ से बीच से बंद हो जाता है, मतलब खुल जाता है दो पार्ट्स में, ऐसे करके टर्न होता है। इंडियन शॉपिंग सेंटर, देखते हैं क्या मिलता है इस दुकान के अंदर। ये रही फ्रियो स्ट्रीट, जिसके अंदर आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगी पोर्ट के बाहर ही। बंदे की कलाकारी देखो यार तुम यहाँ पे, अभी हल्का हल्का गर्म होने लग गया है क्योंकि यहाँ पे अभी 2:30 बज चुका है। धूप तो आ रही है लेकिन ऊपर ना बादल लगे हुए हैं, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा गर्मी हो रही है अभी। और यहाँ पे ना आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पीछे इंडियानो रेस्टोरेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियन को इंडियानो बोलते हैं, रेस्टोरेंटे इंडियानो। यह है बॉम्बे, बॉम्बे पैलेस, इसके आसपास का। इटली में भी लिविंग कॉस्ट बहुत महंगा है, खाना पीना, जैसे इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर आपको इंडियन थाली चाहिए तो वो पड़ेगी आपको 25 यूरो, 30 यूरो इतने की, मोटा मोटा मान के चलो आप यार 1000 बोल रहा हूँ, 2500, 3000 की आपको वेज थाली, और 35 यूरो, 40 यूरो तो ये मान के चलो आपको मीट वगैरह जिसमें चिकन विकन ये सब रहेगा वो पड़ेगा। तो खाना पीना यहाँ पर महंगा ही है यूरोप में। बाकी जो आपके ये घर हैं फ्लैट वगैरह में अगर आप रहते हो, उसका रेंट वगैरह भी महंगा ही रहता है अगर आप सिटीज़ वगैरह में रहते हो। वैसे तो जनेवा ज़्यादा महंगा है देखा जाए तो, वेनिस हो गया। ये तो बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, इनके नंबर देखिए आप कैसे, 1234, 123, 947, SB मतलब साबोना। तरह के अगर बॉक्स आपको लगे हुए दिखेंगे, ये क्या मालूम है,
ये जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा कहीं पे अचानक, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक आई मीन कैसे बताऊँ मैं आपको, इसके अंदर मतलब आप उसको उसके हार्ट के वहाँ पर रखना पड़ता है, हार्ट अटैक के लिए काम करता है सिर्फ ये जो है वाइब्रेट करता है ऐसा कुछ शायद ये, तो उसके हार्ट के वहाँ पर रखो तो शायद आप उसकी थोड़ी देर जान बचा सको या मतलब कुछ भी, ऐसा सीन शॉट है। तो जगह जगह ऐसे लगाए हैं यहाँ पे। वैसे भी इटली मेडिकल के लिए मतलब नंबर वन है, यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है मतलब इटली में, जैसे साउथ कोरिया में आप देखेंगे स्किन वगैरह का बहुत रहता है या सर्जरी वगैरह करानी है कुछ, तो वैसे ही इटली में मेडिसिन वगैरह या यहाँ का जो मतलब अच्छा है मेडिकल यहाँ पे। यहाँ पे आपको अफ्रीकन भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन फेसेस जैसे उसको जानते हैं आप लोग, खाबे लैम जो फेमस टिकटॉकर है उसी के फैमिली वाले और रिश्तेदार, तो बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। वो भी अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, 4 बजे मुझे आज अंदर जाना है, 5 बजे शिफ्ट सेल होगा यहाँ से। अभी सीमेंस क्लब खुल भी गया हुआ तो क्या करूँगा वहाँ पे जाके, जहाँ सबसे पहले सुबह गया था मैं सीमेंस क्लब, अब नहीं जाऊँगा वहाँ पे। है तो पोर्ट के पास ही लेकिन अभी क्या जाऊँ छोड़ो, वैसे भी बहुत दूर आ चुका हूँ, अब यहाँ से सीधे दूसरे रास्ते से पोर्ट पर निकल जाऊँगा फिर उसके बाद शिफ्ट में, बहुत दूर आ चुका है मैं चलते चलते। मतलब ये एक स्ट्रीट है सीधे, अभी एक्चुअली मैं जो है रेजिडेंशियल एरिया के आसपास हूँ मैं, मार्केट पीछे रह चुकी है। बहुत दूर आ चुका हूँ, अब यहाँ से वापस निकलने की सोच रहा हूँ मैं। यहाँ से एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ पूरा, यही बस इस तरह से गलियाँ हैं ऊपर, यहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं है, मार्केट बस बीच में है, जैसे पोर्ट के आसपास सी मार्केट है, उसके बाद आगे वो आप जाएंगे यहाँ पे आपको छोटी मोटी दुकानें मिलेंगी घर के नीचे, बाकी ऊपर सब अपार्टमेंट होंगे। मैं वहाँ से आया तो ये देखिए मतलब ये सब लोगों के घर हैं, नीचे छोटी मोटी शॉप्स हैं बस, हो गया, आगे तक पूरा ऐसे ही रहेगा, चाहे आप किसी भी गली में निकल जाओ ये लोगों की गाड़ियाँ हैं और ऊपर लोग रहते हैं यहाँ पे, पूरा आगे तक यही सीन रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे हर आधे आधे किलोमीटर में आपको इस तरह की घड़ी मिल जाएगी जहाँ पे टाइम शो होता रहेगा आपको। घर हैं उनके डिज़ाइन कलर ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनकी जो खिड़कियाँ हैं ना वो डिज़ाइन सबका सेम ही रहता है, उनमें कलर दूसरा रहेगा लेकिन जो डिज़ाइन सबका सेम ही है, चाहे मतलब ये पकड़ लो आप ऑलमोस्ट सभी घरों में इटली के अंदर ऐसा ही है। ये देखिए सामने आ गया, ये लोहे की इस तरह की जो बनी है, कोई भी घर देख लीजिए आप सब में ऐसे ही होंगे। ये देखिए खिड़कियाँ इस तरह की, और ये बालकनी वाला सिस्टम भी, कंस्ट्रक्शन का काम कितना सेफ्टी से किया जा रहा है। और आपको मैं वही जो शॉपिंग स्ट्रीट थी वहां से वापस ले जा रहा हूँ शिप की तरफ। को एक ये सिंबल मैंने इंडिया में कहीं भी नहीं देखा, आपने देखा कभी इंडिया में वाला कि नीचे तालाब में गाड़ी ना डाले, तो भाई कौन डाल रहा है वैसे भी अपनी गाड़ी इसको। एम्बुलेंस आई है एयरपोर्ट में, क्या हो गया, एम्बुलेंस भी खतरनाक होती है भाई इनकी, मस्त हाई टेक बिल्कुल, सिक्योरिटी चेक हो रहे यहाँ पे। यही पूरा टर्मिनल है सावोना का, सामने है अपना जहाज, ये है शिप। तो चलिए यार ऑलमोस्ट 4 बज गया है और अभी शिप के अंदर जाने का टाइम हो गया है, और धूप भी थोड़ी आई थी अब चली गई है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।